हाय फ्रेंड्स, टेकटॉक सीरीज रो वीडियो 3 रे आज आमे चर्चा करिबा एसी विषय रे। 1 टन 1.5 टन 2 टन एसी रे टन माने कोन, केते स्क्वायर फुट रूम पे केते टन रो एसी दरकार, 3 स्टार 5 स्टार एसी, विंडो स्प्लिट एसी, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर एसी, से विषय रे जानिबा। कहे गले कंप्लीट गाइड, एसी बाइंग गाइड आज आमे जानिबा। तो जदी आपन एसी किनिबा को जाउ छंती ए वीडियो टि निहेती रे देखंतु, एवं अन्यान्य साइंस टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो पे हम चैनल को सब्सक्राइब करों दो। तो चलो तो स्टार्ट करिवा। टन माने कोन, हमें समस्ते एसी किनला बेले 1 टन रो एसी, 2 टन रो एसी, 1.5 टन रो एसी कोइ थाउ। तो फर्स्ट जानिबा टन माने कोन। टन माने तो या नोजे से एसी रो वजन 1 टन नै थिबो, एते तो केबे होबोनी। तो टन माने कोन, तो टन माने होची पूर्वरु ब्रिटिश रे बरफ रखिकरी रूम को ठंडा करथिले। जेतेबेले एसी नथिला सेतेबेले बरफ रखिकरी रूम को ठंडा करथिले। तो 1 टन रो बरफ गोटे रूम रु, गोटे 1 टन रो बरफ से रूम रु 24 घंटा रे 288000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट को अब्सॉर्ब करथिला। बुझ पाइले, गोटे 1 टन रो बरफ 24 आवर रे 288000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट हीट को अब्सॉर्ब करथला। तो घंटे को केते यूनिट अब्सॉर्ब कला, जदि 24 घंटे रे 288000 बीटीयू अब्सॉर्ब कला, तो घंटे को डिवाइडेड बाय 24 12000 बीटीयू यूनिट अब्सॉर्ब कला। तो सेति पई 1 टन मींस 12000 बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। जदि सिंपलीफाइड करके मु कहबी, गोटे 1 टन रो बरफ तरळीबा पई घंटा को जति की हीट दरकार करे ताकू 1 टन हिसाब रे आमे मेंशन करले। माने गोटे रूम रे जदि आमे गोटे टन रो बरफ रखि दवा, से बरफ तरळीबा पई जति की हीट दरकार करिवो सेति की हीट तमर 1 टन रो एसी एक्सट्रैक्ट करि परिबो रूम रु। सेति की हीट गोटे 1 टन रो एसी एक्सट्रैक्ट करि परिबो। तो 1 टन माने 12000 बीटीयू, बीटीयू माने ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो जेहेतु पूर्व काल रो एटा रही आसी, तो सेया को ही कंटिन्यू करा गला। तो 1 टन माने गोटे टन रो बरफ तरळिया पई जेति की हीट दरकार, तो 1 टन रो एसी सेति की हीट से रूम रु एक्सट्रैक्ट करि परिबो, दैट इज 12000 बीटीयू। एटा हेला हमरो टन, एसी रो टन। वर्तमान देखिया गोटे केते स्क्वायर फुट रो रूम पई केते टन रो एसी दरकार, एटा समस्त कन्फ्यूजन होंती। सिंपल सिंपलीफाइड करिय गले, सपोज आपन को गोटे रूम अछि 12×10 रो गोटे रूम अछि, 12×10 माने 120 स्क्वायर फुट रो गोटे रूम अछि। तो ता पे केते टन रो एसी दरकार, सिंपलीफाई करिय गले आपन को 12×10 रो 120 स्क्वायर फुट रो गोटे रूम अछि, प्राय आपन नेट रे खोजले पाइ जेबे एतिक स्क्वायर फुट रूम पई एतिक टन रो एसी दरकार। किंतु मु आपन को कहू छी स्क्वायर फुट रो माने किछ नै, गोटे एसी पई स्क्वायर फुट रो माने किछ नै। जदि आपन 12×10 रो स्क्वायर फुट रूम थिबो किंतु हाइट जदि अधिक थिबो ताल तो एसी काम दबनी ना। तो हाइट रो भी मीनिंग अछि, एसी माने टन डिसाइड करिवारे हाइट रो भी मीनिंग अछि। तो आपण कोन करिवे, साधारणत हमर छात्र हाइट 10 फुट रहे, तो आपण जदि 120 स्क्वायर फुट रो रूम अछि एवं छातडा 10 फुट रो अछि, ताले क्यूबिक फुट बाहर करंतु, माने दर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता, क्यूबिक फुट बाहर करंतु, डिवाइडेड बाय 1000 करंतु, जति की हला तार नियरेस्ट टन एसी आपण रूम पई सुइटेबल। क्लियर,
आपण क्यूबिक फुट बाहर करंतु रूम रो माने रूम रो दर्घ्य रूम रो प्रस्थ रूम रो उच्चता बाहर करिकि जति के हला डिवाइडेड बाय 1000 कर देबे सेति की टन रो एसी आपण को रूम पई दरकार जेमति कि सपोज आपण 12 बाय 10 रो गोटे रूम अछि तो छात्र उच्चता 10 फुट अछि तो 12 * 10 * 10 1200 स्क्वायर फुट रो रूम डिवाइडेड बाय 1000 1.2 होछि ता माने आपण को 1.2 टन रो एसी दरकार तो 1.2 टन रो त एसी आसुनी जदी आनिबे 1 टन नै त 1.5 टन जेतु आपण 1.2 टन रो एसी दरकार त आपण 1.5 टन रो एसी के आनि के रूम रे लगेबे से भले आपण जदी 14 बाय 14 स्क्वायर फुट रो रूम अछि 14 बाय 14 स्क्वायर फुट रूम अछि छात्र हाइट होछि 10 फुट त 1440 स्क्वायर फुट रो रूम 1440 स्क्वायर फुट रूम डिवाइडेड बाय 1000 1.4 टन माने नियरेस्ट होछ 1.5 टन तो आपण 1.5 टन रे एसी से रूम रे लगेबे एटा होछ जदी रूम रे 5 जन लोक रहउथिबे ताले एई जो सूत्रडा कहली एटा ठीक 5 रो अधिक लोक होले आपण को एसी रो कैपेसिटी बढेय पडियो काईना 5 रो अधिक लोक होले सेति की कार्बन डाइऑक्साइड आमे निर्गत करबा तो सेति की हीट एक्स्ट्रा एसी उ टानिया पडियो सेति पई ए जो सूत्रडा कहली गोटे रूम रे जदी 5 जन रहजन ताले ए एसीटा सुइटेबल आजकल तो रूम रे 5 जन कोनोसी रूम रे केही रहउ नथिबे एदर जणे 2 जन बेसी बेसीले 3 जन ही बा 4 जन रहथिबे ता 5 जन तो रहउ नथिबे तो सेति पई ए सिंपल कैलकुलेशन डा माने रखंतु स्क्वायर फुट अनुसारे स्क्वायर फुट नै क्यूबिक फुट अनुसारे एसी रो साइज मेंटेन करंतु वर्तमान सपोज 12 बाय 10 1200 स्क्वायर क्यूबिक फुट रूम रे आपण 1.5 टन रो एसी ओटे लगाई देले केते अन छथि मोर मोर 2 टन रो एसी ओटे बडो एसी लगाई पूरा चिल्ड कर रहि किंतु सेटा होछि भूल बडो एसी लगाइले आपण को कोनोसी फायदा नै ना आपण को ठीक माने मेंटेन होबो रूम टेंपरेचर ना आपण सस्ता रे पडि माने ना आपण को कॉस्ट इफेक्टिव रहयो आपण को कॉस्ट भी अधिक दबाव पडियो सपोज आपण को रूम 1200 स्क्वायर फुट डिवाइडेड 1.2 1.5 टन एसी दरकार आपण 2 टन एसी लगे देले प्रॉब्लम कोन हो एक रे तो 2 टन एसी पई के आपण अधिक माने इन्वेस्ट कर के एसी टा गवानले 2 रे कोन हो से एनर्जी एफिशिएंट होबनी से कोन करियो बहुत जल्दी 2 टन एसी बहुत जल्दी कूलिंग कर दबो आ बहुत जल्दी बंद हो जइबो किंतु जते जल्दी कूलिंग करियो सेते जल्दी मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करि परिबो नाही रूम रे जो मॉइस्चर अछि से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करिया दरकार एक्सट्रैक्ट करिया दरकार से 2 टन एसी 10 मिनिट रे मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करिबारियो नै काईना मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करिया पई एसी को मिनिमम 20 टू 25 मिनिट चलिबा दरकार तो जेहेतु मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करि परिबो नाही एसी ता तो कोन होबो जते जल्दी ठंडा हला सेते जल्दी रूम पुनी गरम हिजो पुनी गरम हेले से 2 टन एसी पुनी स्टार्ट होबो से 2 टन एसी पुनी स्टार्ट होबो जते थरो स्टार्ट स्टॉप होबो सेते अधिक बिल उठिबो काईना हमर गोटे इक्विपमेंट रो स्टार्टिंग टॉर्क थाय स्टार्टिंग टॉर्क जेतेबेले स्टार्ट हुए सेतेबेले टॉर्क जनरेट करिया पैका कोनोसे को वस्तु बहुत करंट इनिशियल करंट बहुत माने टाणी थाए तो सेही करंटटा आपनकर कोन करे इलेक्ट्रिक बिल को उठाए सेति पई अवॉइड करिवे बारंबार स्टार्ट स्टॉप करिया पई सेति पई सुइटेबल अमाउंट रो एसी टा लगेबे तो आपनकर रूम रे जदी 1.5 टन रो एसी कैलकुलेशन अनुसार दरकार होची तो 1.5 टन ही लगांतु 2 टन लगेबे नाही बा 1.5 टन दरकार होची 1 टन लगेबे 1 टन लगेले कोन होबा आपण सस्ता रे तो पाई जिवे किंतु से एसी बहुत दिन जीवनी काईना से कंप्रेसर बहुत चेष्टा करियो ठंडा करिया पई करि परिबोनी जा फल रे इलेक्ट्रिक बिल रे आपण कर बहुत खर्च होबो प्लस तार लाइफ स्पैन भी कमी जीवो सेति पई सुइटेबल जति कि होची सेति टन रो एसी ही लगांतु अधिका लगेबे नाही कि कम लगेबे नाही वर्तमान देखिबा 3 स्टार 5 स्टार एसी कोन 3 स्टार 5 स्टार एसी एसी रो देखतिबे आपण 3 स्टार रे भी थिबो 5 स्टार भी थिबो तो 5 स्टार माने लेस पावर कंजम्पशन जति कि माने 5 स्टार जति कि पावर कंजम्पशन करिवो ताटु कम पावर कंजम्पशन ताटु अधिक पावर कंजम्पशन 3 स्टार एसी करिवो तो आपण को जते स्टार अधिक आबो पावर कंजम्पशन सेते कम हो 2021 रो गाइडलाइन अनुसार को एसी केते स्टार एसी केते वाट रो हबा दरकार सेटा रो गोटे चार्ट अछि सेटा मु आपन को देखै दउ छी देखन तो आपन देखिले केते स्टार रो एसी केते वाट रो हेइ छी तो सेय अनुसार आपन डिसाइड करंतु आपन को केते स्टार रो एसी दरकार या पई गोटे सिंपल गाइड जदि मु देबी
ताले जदि आपण एसी 2 रो 3 घंटा दिन को यूज करसनी ताले 3 स्टार एसी नियंतु 5 स्टार एसी नै कि किछ लाभ नै जदि आपणकर एसी प्राइड टाइम चलेबे एवं दिन को 7 8 घंटा चलेबे ताले निहाती भाबरे 5 स्टार एसी ही नियंतु काईना सेटा कम पावर कंजम्पशन करियो 5 स्टार एसी बेसी कॉस्ट पडिबो 3 स्टार एसी अपेक्षा तो आपण जदि एसी कम यूज करसनी दिन को 2 घंटा 3 घंटा यूज करसनी बाहरे ऑफिस रे टाइम जाउची रात्रि सोइला बेल को 2 घंटा एसी चलेकि सोई पडचंदी आपण के एरिया रे ठंडा अछि गरम बहुत कम ताले 3 स्टार एसी नियंतु नले 5 स्टार एसी नियंतु नै त जदि बजेट शॉर्ट अछि ताले भी 3 स्टार एसी नै परिबे किंतु पावर कंजम्पशन इलेक्ट्रिक बिल ठीके अधिक उठिबो या बिषय रे डिटेल्स वीडियो केमिति कैलकुलेशन करा जाउची 3 स्टार एसी 5 स्टार एसी केमिति कैलकुलेशन करा जाउची सेटा मु पर माने आउ केबे वीडियो रे बतेबे वर्तमान देखिबा विंडो एसी और स्प्लिट एसी कोन विंडो एसी रो जमाना गलाडी विंडो एसी को भूली जांतु स्प्लिट एसी यूज करंतु विंडो एसी रे वाइब्रेशन रहइबो नॉइज बहुत रहइबो सेतबे विंडो एसी को भूली जांतु स्प्लिट एसी लगांतु सेठी वाइब्रेशन कम प्लस आपनकर जेहेतु यूनिटटा बाहर रहिला नॉइज भी आसिबोनी सेतबे स्प्लिट एसी ही बेटर तेनकि जदि बजेट नाही तो विंडो एसी लगाइ परबे वर्तमान देखिया इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी कोन इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी भितर बहुत लोकंकर कन्फ्यूजन अछि मते जने सांगटे कहिला अरे मु त इन्वर्टर एसी किने छी काई लाइन कर ले त से चालुनी ता माने से नो से जो इन्वर्टर आ ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ये होछि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से होछि इन्वर्टर से इक्विपमेंट नाम होछि इन्वर्टर तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ये कंप्लीटली डिफरेंट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होछि कोन ना से जो कंप्रेसर जो मोटर टा को वेरिएबल स्पीड रे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रे चालिबो वेरिएबल स्पीड माने केतेबेले जोरे चालिबो केतेबेले आस्ते आस्ते मध्ये चालिबो सेटा होची इन्वर्टर टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रे सेम स्पीड रे ही चालिबो सबडे फुल स्पीड रे चालिबो सपोज आपण घरे 1.5 टन रा बा 2 टन रा गोटे नॉन इन्वर्टर एसी होची नॉन इन्वर्टर एसी होची खरा दिन रे सपोज माने वर्षा दिन बेसी गरम नै कि बेसी शीत भी नै तो आपण 25 डिग्री सेट करिकरी रो एसी टा को चलाइ देले तो से फुल स्पीड रे से एसी बुलीला जेतले 25 डिग्री हे गला से एसी बंद हे गला पुनी जेतले 25 टा बडी बडी के रूम रो 26 27 हे होची से एसी पुनी चालू होची एटा होची नॉन इन्वर्टर एसी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी रे कोन हबो आपणकर 25 सेट कर देले रूम टेम्परेचर कमीबा अनुसार स्पीड मध्यम कमी जीवो जेतले 25 हे जीवो रूम रो सेतले कम स्पीड रे बुलीबो बंद होबनी कम स्पीड रे बुलीबो जेतले पुनी तो एहा फलर कोन हबो आपण रूम टेम्परेचर ता मेंटेन हे कि रहइबो बारंबार स्टार्ट स्टॉप रु बंचे मु जेंति पूर्व रु एबे कहतली जे बारंबार एसी स्टार्ट स्टॉप हेले करंट बहुत भिडीबो करंट बहुत भिडीले कोन हबो आपण के इलेक्ट्रिक बिल बहुत उठियो तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रे बारंबार स्टार्ट स्टॉप होबार नाही जेतले आपण 25 हे गेले जेतले स्पीड कमी जीवो मोटर सेटा कोन सबले सेम स्पीड रे बुलियो आइदर बंद हबो नै त बुलियो त फुल स्पीड रे बुलियो एटा कोन विभिन्न प्रकार स्पीड रे बुलियो सपोज गोटे रूम रे 5 जण अछन्ती तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी फुल स्पीड रे बुलियो जणे अछि त हीट बेसी बाहरु नै त इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रो एसी कोन करिवो धीरे धीरे बुलियो जा फलर आपनकर इलेक्ट्रिक बिल कम उठिवो किंतु नॉन इन्वर्टर एसी रे जणे रूम रे थिले भी फुल स्पीड रे बुलला 5 जण थिले भी फुल स्पीड रे बुलला तो जणे जेतेले थिला जेतेले फुल स्पीड रे बुलला माने आपण एक्स्ट्रा कॉस्ट तो देले ना प्लस बंद हे होची पुनी टेंपरेचर बढला परे पुनी स्टार्ट होची सेठी भी कॉस्ट किछि एक्स्ट्रा बिल आपण घर जाउची किंतु नॉन इन्वर्टर एसी रे एक्स्ट्रा बिल आपण घर जो बारंबार स्टार्ट स्टॉप रो आपण बंचिबे से बाबदरे आपण घर बिल बंचिबो इलेक्ट्रिक बिल बंचिबो प्लस जेतेले कम लोक अछन्ति गोटे रूम रे सेतेले धीरे धीरे चलिबो एसी जेतेबेले बेसी लोक अछन्ति सेतेबेले फुल स्पीड रे चलिबो तो स्पीड टा को वेरिएबल करि परिबो सेटा होची इन्वर्टर टेक्नोलॉजी स्पीड को केमिति वेरिएबल करे कोन करे दा बिषय डिटेल्स आउ केबे आउ कोनसी वीडियो रे करबो एटा केवल एसी रो ओवरऑल गाइड थिला तो एबे पई एति कि आउ थरे मु रिफ्रेश करि कहि दउची फर्स्ट होची एसी रो टर्न कोन आमे जानले ना गोटे टर्न रो बरफ तरलिया पई घंटा को जेति कि हीट दरकार करे सेति कि हीट आ जो एसी एक्सट्रैक्ट करि परबो सेटा को 1 टन एसी बोली कुआ जाय 1 टन इज इक्वल टू 12000 बीटीयू ब्रिटिश थर्मल यूनिट तापर एटा गेला हमें टन कहले काहे कि आ टन हिसाब रे कहो छे ना आगे गेला रे बरोबर इत्यादि इत्यादि जो कहले सेटा बोले कि बुझले
तापे गोटे रूम पे केते टन रहिस दरकार आपण क्यूबिक फुट रूम रो बाहर करिवे माने दर्घ्य गुणन प्रस्थ गुणन उच्चता बाहर करिवे डिवाइडेड बाय 1000 कर देबे जति टन बाहरला सेति टन नियरेस्ट टन एसी आपण बाय करिवे हायर रेटिंग एसी बा ताक लोअर रेटिंग एसी नेबे नाही तार कारण मध्ये कहिली एवं स्प्लिट एसी विंडो एसी एवं इन्वर्टर एसी नॉन इन्वर्टर एसी सरे जानिले तो आपणको जदि ए भिडीयोटी भल लागिला आम चॅनलटी को लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु आज पे यहाँ देखिए थैंक यू टाटा गुड बाय।